तो ही गाइस वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो रोस्ट गेमिंग 2.0। गाइस आज बिना वीडियो में आगे बढ़ने हुए सबसे पहले आप लोग ये देख लो कि मुझे कौन सा बैन का यहाँ पे नोटिस आया था। डियर प्लेयर, थर्ड पार्टी एप्स एंड प्लगइन्स आर नॉट अलाउड इन बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, फेल टू रिमूव सच एप्स प्लगइन्स रिजल्ट योर अकाउंट परमानेंटली बैन। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉर्पोरेशन। ऐसा है भाई, यहाँ पे फाइल क्लेम का ऑप्शन आया था और डिटेल्स का, लेकिन भाई फाइनली इस वीडियो के बाद हमारा अकाउंट जो है ना लिटरली मतलब यहाँ पे अनबैन हो चुका है। और तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कैसे लॉग इन हो रहा है और यहाँ पे लोडिंग होकर के लॉग इन भी हो जाएगा और कोई भी मेरिट तक नहीं कटने वाली है। ठीक है, तो भाई कौन सा है वो मेथड और कैसे किया मैंने इस अकाउंट को अनबैन। ठीक है, लिटरली ये मेरा अकाउंट नहीं है, मेरे भाई जैसे दोस्त का अकाउंट है और मैंने उसको मेथड बताया, उसने खुद से अनबैन कर लिया क्योंकि भाई लिटरली उसने कोई भी टूटू एप्स या चीट्स नहीं यूज किए थे। और मैं फिर से एक बार क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर कि अनबैन उन्हीं लोगों का होगा जिनका यहाँ पे कोई भी टूटू एप्स या फिर कुछ भी नहीं लगाया उन लोगों ने, और बाई द मिस्टेक गलती से उनको बैन आ गया होगा या तो मास रिपोर्ट की वजह से या फिर तीसरी वजह से हो। ठीक है, तो भाई उनका अनबैन हो सकता है, जिन्होंने टूटू यूज किया है उनका तो कभी नहीं होगा, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं बोलते हुए तुमको जाना है, वीडियो छोड़कर चले जाओ। और अगर तुमने टूटू यूज नहीं किया, तुम्हारी विदाउट एनी रीजन बैन हुई है, तो वीडियो को देख लो, तुमको मेथड पता चल जाएगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला मेथड तो हम लोग का ये है, बहुत ही सिंपल, और पूरे यूट्यूब पे तुमको ऐसा मेथड किसी ने नहीं बताया होगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। उनको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले डिस्कॉर्ड नाम सुना है, डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड पे एक अकाउंट बनाना है। ठीक है, डिस्कॉर्ड डाउनलोड करके डिस्कॉर्ड पे एक अकाउंट बना लेना है तुमको। और डिस्कॉर्ड पे एक अकाउंट बना लेने के बाद सिंपली तुमको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा बीजीएमआई के ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर का, बीजीएमआई का ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर तुमको ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद भाई सिंपली चल लेते हैं हम लोग अपने फोन स्क्रीन पर, तुम लोग देख सकते हो ये बीजीएमआई का ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर है। जी, तुम लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स है। ठीक है, लेकिन तुमको यहाँ पे किस में जाना है, तो तुमको सिंपली यहाँ पे बीजीएमआई सपोर्ट दिख रहा है, बीजीएमआई सपोर्ट के अंदर जाना है। ठीक है, और जैसा तुम लोग देख सकते हो मैंने उस दिन बीजीएमआई सपोर्ट में यहाँ पे मैसेज लिखा था, हे डियर बीजीएमआई, माय आईडी गॉट बैन विदाउट एनी रीजन 17 के लिए दैट मैच, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, और लिटरली भाई ये मेरे दोस्त के बिहाफ में मैंने लिखा था और बीजीएमआई ने उसके बाद फर्दर रिप्लाई भी किया था, मुझे देख सकते हो फिलहाल तो ये बॉट का रिप्लाई था, लेकिन आगे चल के मुझे फर्दर असिस्टेंट मिला था। और यहाँ पे जैसे तुम लोग देख सकते हो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया सपोर्ट एट द रेट craftan.com का यहाँ पे बात करने के लिए भी वो बोल रहे हैं, तो उन लोग यहाँ से तुमको मेल प्रोवाइड कर देंगे जहाँ पे तुम लोग बात करके और लिटरली बीजीएमआई से सॉर्ट आउट कर सकते हो, जिससे तुमको ऑफिशियल जो है रिप्लाई दे देगा। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे आकर के लिटरली अपनी इशू लिखनी है विथ एन प्रॉपर स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब भाई अच्छे से लिख देने के बाद यहाँ पे तुमको रिप्लाई देखने को मिल जाता है, वो लोग तुरंत रिप्लाई देते हैं, कोई भी लेट नहीं करते, 1 से 1.5 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाता है। और रिप्लाई आ जाने के बाद तुमको क्या करना है, सिंपली तुमको अपने जीमेल पे चले आना है। जीमेल पे चले आने के बाद तुमको जो मेल वो लोग प्रोवाइड करेंगे, जो मेल तुम्हारे स्क्रीन पे मैं पॉपअप भी कर दूंगा, ठीक है, जो मुझे प्रोवाइड किया था वो मेल मैंने पॉपअप कर दिया है, तुम चाहो तो तुम उसको आकर के देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और भाई इसके बाद तुमको उस मेल पे मैसेज लिखना है, मैसेज क्या लिखना है वो ध्यान से देख लो, मैंने पहले से ही तुम लोगों के लिए लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो गाइस तुम लोग ध्यान से देख लो, यही मैसेज तुमको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके लिखना है, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो भी तुम्हारा इशू है एज लाइक तुम्हारा बीजीएमआई आईडी जिस भी वजह से बैन हुआ है ना, वो मैसेज तुमको वहाँ पे लिख देना है, जैसा मैंने तुम लोग देख सकते हो, हे टीम बीजीएमआई माई आईडी गॉट मतलब हाईजैक्ड और वॉट एवर, जो भी मेरा प्रॉब्लम था। ठीक है, मेरा प्रॉब्लम था वो मैंने यहाँ पे लिखा है, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है जिस वजह से तुम्हारी बैन हुई है वही वजह लिखनी है, फेक वजह लिखोगे उन्होंने डिटेक्ट कर ली तो जिंदगी में अनबैन नहीं होगा। ठीक है, सच्चाई लिखना है, नीचे तुमको लिखना है माई बीजीएमआई आईडी, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी तुम्हारी बीजीएमआई आईडी है, माई कैरेक्टर नेम एक्स वाई जेड जो भी तुम्हारा नेम है, प्लेयर आईडी अगर याद हो तो लिख देना, बहुत अच्छी बात है, करेंट टीयर तुम्हारा कौन सा चल रहा था ये भी याद हो तो लिख देना, याद तो होगा ही ऑब्वियसली यार, कौन से टीयर पे हो ये तो लिख ही देना। कॉन्टैक्ट में तुमको याद से कॉन्टैक्ट में ईमेल अपना दे देना, ईमेल के साथ साथ में जरूरी नहीं है फोन नंबर अटैच करने, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और पर्सनल डिटेल्स कभी भी नहीं डालता, और ईमेल वो वाला देना जो कि एक्टिव रहते हो तुम, जिस पर बीजीएमआई रिप्लाई दे सके। ठीक है, एंड थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिख के अपना नाम लिख देना। ठीक है, और सिंपली भाई ऊपर तुमको टाइटल लिखना है जो भी तुम्हारा रीजन की वजह से बैन हुआ है। ठीक है, जैसे अकाउंट हाईजैक्ड एंड गॉट बैन विदाउट एनी रीजन या फिर वॉट एवर जो भी तुम्हारा रीजन है, उसको सेंड किस पे करना है ये ध्यान से देख लो तुम, मेल पे बीजीएमआई बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया support@craftan.com इस पे ही तुमको मेल लिखना है और कहीं पे भी मेल नहीं लिखना है। और जो मेथड मैंने तुमको बताया इस वीडियो में उसी मेथड को एक्यूरेटली फॉलो करना है,
और भाई लिटरली मैं स्टार्टिंग में ही वीडियो के बोल दिया था कि टू टू प्लेयर्स की अब बैन नहीं होने वाली, और जो लेजिट प्लेयर होंगे ना उनकी लाइव अनबैन हो जाएगी। तो जो अकाउंट मैंने तुमको स्टार्ट में वीडियो दिखाया था जो बैन हो गया है, वो तुम लोग अपने स्क्रीन पे अभी लाइव देख सकते हो, ठीक है। लिटरली वो अनबैन भी हो चुका है, एक मेरिट नहीं कटी है उसकी, ठीक है, एक मेरिट नहीं कटी है। और ये तुम्हारे सामने ये अकाउंट जो है लॉग इन भी हो चुका है, ठीक है, लॉग इन हो चुका है। और फाइनली भाई हम लोग देख सकते हैं इसके मेरिट सिस्टम में भी आकर के इसकी मेरिट नहीं कटी है, ठीक है, कोई भी मेरिट नहीं कटी है। और इसकी केडी जो है ना लिटरली हर सीजन 5 की 7 की रहती है, क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो बहुत ज्यादा अच्छा खेल लेता है, तो इतनी केडी वो मेंटेन कर लेता है, और ज्यादा नहीं खेलता है तो इतनी केडी रह जाती है उसकी। तो ऑब्वियसली मास रिपोर्ट उसको पड़ता है, तो मास रिपोर्ट की वजह से मेरे ख्याल से उसको बैन मिला था, जिसके कारण उसका अकाउंट जो है वो 2 से 3 दिनों के अंदर ही वापस आ चुका है। हालांकि मैंने बीजेएमआई में आज रिपोर्ट किया, ये तुम लोग के सामने मैं दिखा करके ऐसे भेजा मैसेज, बट उस दिन मैंने रिपोर्ट किया था वो बहुत ऊपर चला गया होगा, इसलिए मैंने इसको आज अगेन से रिकॉर्ड करके तुम्हारे सामने रख दिया है। अदरवाइज उसके अकाउंट आज अनबैन हुए, बट वहां पे उसको मतलब अनबैन का रिक्वेस्ट मैंने जिस दिन बैन हुई थी उसी दिन डाल दिया था, डिट्टो ये सेम फॉर्मेट मैंने फॉलो किया था, और फाइनली उसके अकाउंट वापस आ चुकी है। तो लिटरली मैंने इसलिए वीडियो बना दी, और तो होपफुली तुम लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा क्या मेथड है, और जो भी मेथड है ऑफिशियल मेथड है, और यूट्यूब पे इतने डिटेल में कोई भी नहीं बताएगा तुमको, तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी फेक लिखने से पहले एक बात ध्यान से देख लो कि जो भी बताया ना ऑफिशियल इसमें फेक क्या है भाई, तुम खुद बताओ, ठीक है। और चलो एंड करते वीडियो को, बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बी सेफ, टेक केयर, स्टे वेल।